चलिए देखते हैं सुनील छेत्री को इस वीडियो में मैक्स आउट करके और उनका गेम प्ले उनको एज अ सोल स्ट्राइकर खिला के देखेंगे कि उनका गेम प्ले कैसा आता है, क्या वो वर्थ इट है, लाइक मतलब एक एज अ इंडियन प्लेयर बेस्ट प्लेयर है, कैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे पिच पे कि नहीं। द इंडियन गोट या द इंडियन लेजेंड भी बोल सकते हैं आप सुनील छेत्री को, उन्होंने बहुत कुछ दिया है इंडिया को एंड ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसका मैक्स आउट करते हैं। सबसे पहले उनका वन रैंक लाइक ओपन कर लेता हूँ मैं। सुनील छेत्री अभी 88 रेटेड है, मैंने इनकी दो रैंक अप ऑलरेडी कर दी है, बट अभी बाकी का रैंक अप फुल रैंक अप कर देंगे अभी हम लोग। सबसे पहले आप हम लोग रैंक अप में जाते हैं एंड लेट्स गो, एक से ट्राई करें क्या सक्सेसफुल हो जाएगा, डोंट से फेल हो जाएगा। ओके फेल हो गया, मैंने वेस्ट कर दिया एक कार्ड, सॉरी फॉर दैट, मेरी गलती है, मैंने लक ट्राई करने का कोशिश किया बट नहीं हुआ, बट दिस टाइम ठीक है। थर्ड रैंक अप हो चुका है गाइस, 89 रेटेड हो चुके हैं सुनील छेत्री, लेट्स गो। 80 रेटेड नहीं ट्राई करना, रिस्क नहीं लेना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि दो ही है, हम इजीली कर लेंगे इसको अपग्रेड। एंड 90 रेटेड सुनील छेत्री, 90 रेटेड कार्ड हो चुका है ये, एंड लेट्स गो वन मोर टाइम। ये इज लाइक 90 प्रोबेबिलिटी में करेंगे गाइस, व्हाट डू यू से, एंड आई डोंट थिंक सो रिस्क लेना चाहिए एक कार्ड के लिए। 91 रेटेड पर पहुंच जाएंगे, मैक्स आउट हो चुके हैं सुनील छेत्री। अभी देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, इनके स्टैट्स क्या हो गए हैं, लेट्स सी। 5 स्किल पॉइंट्स है वो भी हमें यूज़ करने हैं। ओके ये 91 रेटेड इनका मैक्स आउट हो चुके हैं, फुल्ली मैक्स आउट। अब मैं इनको ट्रेन कर देता हूँ फुल्ली मैच फिट करने के लिए, ठीक है। ओके तो अभी मेरे ख्याल से इतना मैक्स आउट करना काफ़ी है। अभी उनको 108 पेस हो चुकी है, 96 शूटिंग हो चुकी है, पासिंग एक्यूरेसी 78, ड्रिबलिंग 91, फिजिकली 89 के आसपास पहुंच चुके हैं। आई डोंट थिंक सो ये कोई ख़राब कार्ड है और यहाँ से परफॉर्मेंस ना दे पाए, ये अच्छा खासा टक्कर दे सकता है एम्बाप्पे को जो मेरे पास अभी करंटली है। अभी स्किल पॉइंट्स यूज़ करते हैं, इनको ट्रेन कर देते हैं। लाइक स्किल पॉइंट मैं डेक्सिटी पे मैक्स करने वाला हूँ, एक्सेलरेशन और ड्रिबलिंग और अच्छी हो जाएगी एंड पासिंग आई थिंक सो बेटर रहेगी। शूटिंग नहीं चाहिए मुझे क्योंकि ये कार्ड मेरे को बाद में भी काम आ सकता है, इसलिए मैं पासिंग की तरफ जा रहा हूँ। एंड कंफर्म हो चुका है। अब ये राइट विंग, कैम, लेफ्ट विंग तीन पोजिशन और पे खेल सकते हैं, बट इस मैच में जो हम खेलने वाले हैं अब उसमें हमें स्ट्राइकर के पोजिशन में ही खिलाएंगे सुनील छेत्री को। अब देखिए गाइज, 97 ड्रिबलिंग हो चुकी है, 96 शूटिंग, ओके नो प्रॉब्लम, 116 पेस इज नॉट समथिंग ईजी, मतलब लेट्स गो। अब हमको रिप्लेस करना है एम्बापे के साथ सुनील छेत्री को, लेट्स सी। अभी भी थोड़े डाउनग्रेड से बट नो प्रॉब्लम, ये मैच में हम देख लेंगे सुनील छेत्री कैसा परफॉर्म करते हैं एंड आप लोग भी ये गेम प्ले ज़रूर देखना, लेट्स गो गाइज। टीम्स बाहर आ रही हैं एंड दोनों टीम्स रेडी हैं एक दूसरे को फेस ऑफ करने के लिए, देखते हैं कौन सी टीम क्या कर पाती है। अभी शुरू हो चुका है गेम एंड छेत्री गोज ऑन, ट्राई कर रहे हैं एंड लेवा ने बॉल टैकल कर ली है एंड चांस बन रहा है ओपोनेंट के लिए एंड लेवा बॉल लेके क्रॉल, कोर्तुआ को छकाते हुए क्या गोल मारा है लेवांडोव्स्की ने एंड लीड ले चुके हैं ओपोनेंट 1-0 से, अच्छी लीड ले चुके हैं। अभी जिडान टू छेत्री बोल ले जा डीएस के पास, डीएस ने थ्रू बॉल खेली है, छेत्री ने गोल मार दिया, छेत्री एक्सेप्शनल पास था थियास के द्वारा, दियास सेल्फिश होकर खुद शॉट ले सकते थे लेकिन उन्होंने थ्रू बॉल निकाल दी, किसके लिए, छेत्री द इंडियन गोल के लिए। जिडान अगेन, डियाज फिर से वो व्हाट अ ड्रिबलिंग तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन फंबल हो गया बट ओके। जिराड ये जिडान सेल्फलेस खेल गए लेकिन थोड़ा सेल्फिश हो जाना चाहिए था इधर, क्या पता वहाँ से एक गोल निकल सकता था। एंड छेत्री के पास एक और चांस, लॉन्ग शॉट एंड छेत्री, ओ आउट ऑफ द फॉर्म छेत्री की जो परफॉर्मेंस दे रही, ये शॉट वन ऑफ द बेस्ट शॉट्स है फ्रॉम छेत्री एंड जिस लेवल का मैंने अपग्रेड करके इस कार्ड को बनाया उस हिसाब से ये बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है, वन ऑल कर दिया है लीड के साथ। एंड जिराड अगेन, क्या इसको 3-1 कर सकते हैं, डियाज छेत्री के लिए इजी होना चाहिए ये,
थ्री एंड डीएस की पार्टनरशिप ने छेत्री को हैट्रिक दिला दी। हैट्रिक गाइस अपग्रेड करते ही इस बंदे ने आग लगा दी है पूरे एफसी मोबाइल में। इंडियन प्लेयर आर द बेस्ट प्लेयर्स आई बिलीव दैट आई एम गोने यूज, मतलब मैं तो रेगुलर यूज करने वाला ये लॉन्ग शॉट लेने का ट्राई। एंड ये थोड़ा मैं जोश में आ गया था कि इतने गोल हो चुके हैं तो एक और शायद हो जाए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप भी जानते होंगे, लेकिन मैंने मिस कर दिया गलती की वजह से। लेट्स गो एंड छेत्री को फंबल करके डिफेंडर, एंड छेत्री ने क्या स्किल्स दिखाई है, एंड छेत्री विद द गोल एंड नोबडी कैन बीट हिम, लाइक ही इज बिकमिंग द बीस्ट ऑफ ऑल, छेत्री द लेजेंड द मिथ द चैंपियन ऑफ इंडिया एंड लेजेंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडियन। ओपन एंड मैच छोड़ चुका है लेकिन हम नहीं छोड़ रहे, डीएस फिर से डीएस ओके डीएस। इस गेम में जो रूबेन डीएस ने जो गेम प्ले दिखाया, पेनल्टी मिली है, छेत्री नहीं ले रहे बट जिराड ले रहे हैं, क्या जिराड प्लेस कर पाएंगे को बेल के अगेंस्ट। लेट्स सी, ये तो बहुत पास मारी है बट वो ये पेनल्टी सेव हो जानी चाहिए थी, नॉट मोर देन ये गलती हुई है बट टाइम अप गाइज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए।